प्रूव दैट 10a - b इज इक्वल्स टू 10a - 10b डिवाइड बाय 1 + 10a × 10b टेकिंग LHS 10a - b। हमें पता है 10 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम इसको लिखेंगे साइन a - b अपॉन कॉस a - b। 10 इज इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे मुझे दिया है 10a - b, तो हमने लिखा साइन a - b अपॉन कॉस a - b। साइन a - b एंड कॉस a - b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ईच एंड एवरी टर्म में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। कॉस ए कॉस बी से क्यों डिवाइड करते हैं तो वो देखिए, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी लिखा है और मुझे यहाँ पे चाहिए 1। इट मीन्स कॉस ए कॉस बी से मैं सब टर्म में डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 1 और मेरा आंसर इजिली आ जाएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, हम सब में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी होल डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो अगेन प्लस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। अब ये दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस बी, ये दोनों कैंसल, कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे भी कॉस ए कैंसल, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, जो भी टर्म कैंसिल होने के बाद बच गया उसको मैं लिख देता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी होल डिवाइड बाय 1 प्लस, हम इसको ए वाले टर्म को ए के साथ ले लेते हैं, बी वाले टर्म को बी के साथ लेते हैं बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड बाय कॉस बी। साइन अपॉन कॉस होता है हमारा 10, दिस इज 10a, माइनस है तो माइनस दिस इज 10b होल डिवाइड बाय 1। साइन अपॉन कॉस अगेन 10a मल्टीप्लाई साइन अपॉन कॉस अगेन 10, यहाँ पे b है तो b, 10a - b इक्वल टू 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। तो देखिए मुझे आ गया 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, इट मीन्स दिस इज माई आर एच एस। सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो दैट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगेन हम यहाँ पे प्रूफ करना है तो टेकिंग एल एच एस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने इसको जस्ट फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड कर दिया, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेट कंसिडर, हम ये पार्ट को ए कंसिडर करते हैं और ये पार्ट को बी कंसिडर करते हैं। साइन ए कॉस बी इज ए एंड कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू बी, इसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा ए
प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। एलएचएस को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं। अगेन ए है हमारा साइन ए कॉस बी, ए का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, बी है हमारा कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बीच में इनटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। हमने जस्ट सबका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम जस्ट इसको इसमें पुट करते हैं एज पर ए एंड बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यूज किए थे फॉर्मूला में, ये हमारा फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी एज पर दिस फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हम कॉस वाले टर्म को लिख रहे हैं तो ये भी हमारा कॉस टर्म है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए तो इसको हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एज इट इज। अभी हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, इट मीन साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस है तो माइनस, अब हम इसको भी करेंगे साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी जो मेरा बचा है वो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही मुझे पूछा था राइट हैंड साइड में आर एच एस, हेंस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। टू शो दैट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सिमिलर टू प्रीवियस न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एल एच एस। सो एल एच एस इज कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अभी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोई भी एक टर्म लाइक इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू ए एंड साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी, एंड जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी जगह हमने ए पुट किया, इसकी जगह हमने बी पुट किया, इसकी जगह अगेन ए पुट किया, इसकी जगह अगेन हमने बी पुट कर दिया है, एंड इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापिस से ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह जो भी हमने पुट किया था कंसिडर किया था वो लिख देंगे, कॉस ए कॉस बी को हमने ए लिखा था, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए कॉस बी स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस का टर्म चाहिए कॉस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बी, पहले मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो मैं इसको हटाने का ट्राई करूंगा, सेकेंड में साइन स्क्वायर बी चाहिए तो हम साइन स्क्वायर ए को हटाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बी को लिख सकता हूँ मैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी, लास्ट प्रॉब्लम में हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, माइनस यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर बी चाहिए तो हम साइन स्क्वायर बी एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे वन माइनस
कॉस स्क्वायर बी, हमने इसको एज इट इज लिखा और इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू वन। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया हमारा आर एच एस। हेंस प्रूव दैट एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।